हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है आत्मनिर्भर भारत, इसका सपना अगर कोई साकार करने में सबसे ज्यादा अगर सहायक बनेगी तो उस कंपनी का नाम होगा सेफ शॉप। सेफ शॉप के अलावा कोई भी कंपनी इस तरीके के दमदार और बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं बना रही है, पर लेकिन सेफ शॉप हमारी बहुत दमदार और बेहतरीन प्रोडक्ट बना के काफी टाइम से हमें स्वदेशी अपनाओ का नारा काफी टाइम से हमारी कंपनी ने हमें दिया और हम जो है इस नारे को पूरा कर रहे हैं और देश की तरक्की में हम अपना साथ दे रहे हैं। उसके अलावा साथियों, आज आप सारे के सारे लोगों को पता है, आप सारे के सारे लोगों को पता है कि ये मॉल्स जो चल रहे हैं, इस मॉल्स में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई दुकानें मिलती हैं तो वो कपड़ों की दुकानें होती हैं। और उन कपड़ों की दुकानों में भी आप देखेंगे टी शर्ट, जींस, कोट, पैंट, शर्ट, टाई, लेडीज, जेंट्स, यानी जितने भी मॉल बन रहे हैं ना, वो सारे के सारे के सारे मॉल के अंदर आप देखेंगे 80% मतलब दुकानें कपड़ों की होंगी। तो साथियों, मैं यहाँ पे एक नारा था पहले कि रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बिना आदमी की जिंदगी नहीं चलती है, पर लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, आज रोटी, कपड़ा और मकान प्लस सेफ शॉप के बिना आदमी की जिंदगी नहीं चलने वाली है। सेफ शॉप तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा आदमी को, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई है और ऐसे कारनामे सेट हो चुके हैं, ऐसे लोगों ने एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं कि लोगों को सेफ शॉप ज्वाइन करना ही पड़ेगा, जिसके बिना उसकी जिंदगी चलने वाली नहीं है। साथियों, बिजनेस का कुछ नियम हुआ करता था पहले, पहले बिजनेस का कुछ नियम हुआ करता था, करोड़ों रुपए आप लगा सकते हैं, लाखों रुपए आप कमा सकते हैं, लाखों रुपए आप लगा सकते हैं तो आप हजारों रुपए कमा सकते हैं, और हजारों रुपए लगा सकते हैं तो आप सैकड़ों रुपए कमा सकते हैं। पर लेकिन इस बिजनेस के नियम को बिल्कुल रॉन्ग साबित कर दिया सेफ शॉप कंपनी ने, कि इस बिजनेस के नियम को रॉन्ग कैसे साबित कर दिया, हजारों रुपए लगा लो और करोड़ों रुपए कमा लो। दिस इज द पावर ऑफ द सेफ शॉप। सेफ शॉप के लिए एक जोरदार ताली तो जरूर बनती है कि सारे के सारे नियम, सारे के सारे आंकड़ों को अगर क्रॉस करने में अगर सबसे ज्यादा अगर सहायक बन पाई है तो वो सेफ शॉप कंपनी है। उसके अलावा साथियों, अगर मैं आज बात करूं, आज मुझे मौका मिला है सूट के बारे में, सूट की अगर मैं बात करूं, ये एक सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड मतलब जो चीज होती है सूट, आदमी कहीं भी इसकी पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूं, इन सारी की सारी चीजों को वो जब पहन के निकलता है तो उसकी पर्सनैलिटी में चांद चांद लग जाते हैं। साथियों, मैं बात करूंगा विमल रिलायंस की, ग्राडो ग्रासिम ओसीएम रेमंड पार्क एवेन्यू। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इनके शोरूम खोलने के लिए ना करोड़ों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए लगा के आपका ये शोरूम खुलेगा और उसके बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, उसके बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, पर लेकिन दिस इज द पावर ऑफ द सेफ शॉप। आपको इस यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाने का आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक डिसीजन लेने की जरूरत है और आप हजारों रुपए लगा के ही करोड़पति बनते हैं इस बिजनेस के अंदर। ये शोरूम के लिए कोई स्टाफ रखना पड़ता है, पर लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमें कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। जो कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर अमिताभ बच्चन जी इसका विज्ञापन करते हैं, इसी कंपनी के विज्ञापन के प्रोडक्ट को आप भी रिकमेंड करते हैं, आप भी रेमंड्स के रिकमेंड करते हैं, और ये वो कंपनियां हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े नाम में जुड़ी जाती हैं। ये वो इंडियन कंपनी है जिन कंपनियों की अगर वजूद की बात करी जाए तो इनके इनकी वजूद इनकी अर्थव्यवस्था की वजह से हमारे देश में बहुत बड़ी मजबूती है। अगर मैं अपने शब्दों में बोलूं तो ये एक कंपनी जो विमल है, रिलायंस कंपनी है, जो ग्राडो ग्रासिम कंपनी है, ग्रासिम किसकी कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप, रेमंड की अगर मैं बात करूं, ये तीनों अगर कंपनियों की बात करूं तो हमारे भारत के ये पिलर है, पिलर, ये एक ऐसी कंपनियां पिलर हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हमें ऐसी मतलब जो है ब्रांड के साथ में हम लोग काम करते हैं। पर लेकिन हमें गर्व ही है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि ये कंपनियों के प्रोडक्ट में कितनी जान है। कई सारे लोग जो है, अब मैं भी इसमें शामिल था पहले, मुझे भी नहीं पता था कि ये कंपनियां कितनी बड़ी हैं, पर लेकिन इनके बारे में जब जाना तो मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी। पर लेकिन दिस इज द पावर ऑफ द सेफ शॉप। सेफ शॉप की ताकत देखो, उस वक्त सेफ शॉप ने इतनी ताकत बना ली है कि ये जो कंपनियां हैं, चाहे वो रिलायंस विमल हो, चाहे ग्रासिम ग्राडो हो, अच्छा रेमंड हो या पार्क एवेन्यू हो, हमारी कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये। एक जोरदार तालियां सेफ शॉप के लिए बजनी चाहिए, इतनी मतलब जो दमदार हमारी कंपनी, इन इतने बड़े ब्रांड्स को इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बना रखा है, इससे ज्यादा हमारे लिए गर्व की बात नहीं है।
और साथियों कुछ लोगों के दिमाग में मैं आपको बता दूं, 100% सारा धन महिला और पुरुष अपने जीवित रहते हुए फैशन पे खर्चा करते हैं, सबसे ज्यादा फैशन पे। अगर किसी आदमी को अगर आदमी आदमी को अगर बेइज्जती कहीं महसूस होती है तो अपने कपड़ों की वजह से बेइज्जती महसूस होती है किसी शादी में जाने के बाद, कि उसके कपड़े अच्छे थे मेरे कपड़े खराब थे, और वो वहां पे संकल्प लेता है कि मैं अगली बार इससे बढ़िया कपड़े पहन के आऊंगा, इससे बढ़िया मैं अपने, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, इन सारे के सारे लोगों के अंदर ये एक ह्यूमन नेचर है कि आदमी जो आदमी को थोड़ा नीचा महसूस होता है, बेइज्जती महसूस होती है, वो कपड़ों की वजह से होती है। और यहाँ पे एक लिखा है कि सेफ शॉप आपको अपनी जरूरत का सामान लेने पर रोकड़ा दे रही है, अपनी जरूरत का सामान आपको लेने पर रोकड़ा देती है, और आय भी असीमित कमाने का जरिया दे रही है, असीमित आय कमाने का जरिया दे रही है, और जीने के साथ भी मरने के बाद भी। तो साथियों ये ट्रेंड हमारी कंपनी ने 19 साल पहले पहचान लिया था कि जब तक आदमी जीवित रहेगा, जब तक मरेगा नहीं, जब तक उसे कपड़े की जरूरत पड़ेगी। और हर कल्चर के लोगों को यहाँ पे कपड़ों की जरूरत है, किसी धर्म और किसी जाति की कोई भी आदमी हो, हर आदमी को वो कपड़े पहनने पड़ते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पे उन चीजों को समझ नहीं पा रहे, पर लेकिन ये है, हमारी कंपनी ने 19 साल पहले समझ लिया और हमारे लीडर्स ने इस बात को समझ लिया और डंके की चोट पे उन्होंने कपड़ा बेचना शुरू। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि ये सूट लेंथ की मैं बात करूं, ये जो क्लब बार्गोनी जो कंपनी है जो स्पेशली लिलिन बनाती है, इसका काम ही लिलिन बनाना है, और हमारे हमको ये किंग लूथर के नाम से बनाते देती है, किंग लूथर के नाम से। और किंग लूथर की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये 70 BB का प्रोडक्ट है और इसकी MRP 5,999 की है, 3,449 रुपए का ये पैकेज मात्र आपको मिलता है। और अगर इसी की मैं अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रेमंड का अगर लिनन आप खरीदने के लिए जाओगे मार्केट के अंदर तो 5,984 रुपए का है, पर लेकिन दिस इज द पावर ऑफ द सेफ शॉप। सेफ शॉप गरीब लोगों को अमीर बनाने के लिए आई थी और गरीब लोगों का खून चूसने के लिए नहीं आई थी। सेफ शॉप आज भी वो ब्रांडेड चीजों को, जो आदमी लिनन की मैं बात करूं, लिनन का कपड़ा पहनने के बाद आदमी को कभी लगता ही नहीं है, अगर उसने शर्ट पहन लिया तो उसको लगता नहीं है कि उसने शर्ट पहनी हुई है, उसको लगता है कि मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं पहना हुआ है। इसी तरीके से लिलिन का जो सूट होता है इतना कंफर्टेबल होता है कि वो गर्मियों के अंदर इतना कंफर्टेबल होता है, कॉटन से भी ज्यादा कंफर्टेबल लिलिन का सूट होता है। तो साथियों हमारी कंपनी आपसे ज्यादा पैसे नहीं लेती है, ये हमारे दिमाग में एक धारणा है कि वो ज्यादा पैसे ले रही है, पर लेकिन बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको चीजें दी जाती हैं। उसके अलावा मैं बात करूंगा, ये जो ग्राडो की मैं बात करूं, ग्रासिम की जो बात करूं, ओसीएम की जो मैं बात करूं, ये जो प्रोडक्ट 70 BB का प्रोडक्ट है, MRP 5,500 रुपए की है और आपको कितने का मिलता है, 3,351 रुपए का। इसी तरीके की जो फैब्रिक है, इसी फैब्रिक को अगर हम रिमंड में अगर लेने के लिए जाते हैं तो रेमंड में 3,253 रुपए का, यानी आप सोच के देखिए बराबर बराबर की प्राइस पे आपको मिलता है। किसी भी तरीके से आप अपने दिमाग में ये ना सोचिए कि ये प्रोडक्ट्स आपको महंगे मिलते हैं, ये प्रोडक्ट इतने शानदार है। मैं अभी भी जो सूट पहन के बैठा हुआ हूँ वो भी मैं ग्रासिम का ही पहन के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट से मोहब्बत करना अगर शुरू कर लिया तो लोग आपसे इतनी मोहब्बत करेंगे, पैसा इतनी मोहब्बत करेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। उसके अलावा साथी मैं बताना चाहूंगा कुछ लोगों को, ये मेरा टॉपिक नहीं था फिर भी मैं जरूर बता रहा हूँ इसको, कि कपड़ों की अगर बात करें तो अगर हम पैंट शर्ट के कपड़े भी अगर हमारी कंपनी आज हमें दे रही है, ब्रिंगस्विक का जो ग्रासिम मैन्युफैक्चरिंग करके दे रही है और हमारी कंपनी का नाम है ब्रिंगस्विक, तो ये जो दो पैंट शर्ट के कपड़े, जो दो जोड़ी आप पैंट शर्ट के कपड़े देखते हैं, एक पैंट एक शर्ट का, दो जो कितने का मिल रहा है, 1980 रुपए का, और मार्केट में आप विमल की आप कपड़े देखिए वो कितने के पड़ रहे हैं, 1545 रुपए। तो साथियों हमारे के सारे के प्रोडक्ट जो है बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज फिर मैं आह्वान करता हूं आपको, ये मेरा कमिटमेंट है मेरे सारे के सारे मेंटर से कि रॉयल स्टार अचीवर ये मिशन पूरा करके रहेगा, मिशन 100 डायमंड 2021 के अंदर कोई माइकल लाले से रोक नहीं पाएगा, ये हमारा अपना कमिटमेंट है, इसके लिए हम अपनी पूरा का पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, पर लेकिन ऐसा होगा, ये आप सबके कमिटमेंट पे ये सारा कुछ होने वाला है, रॉयल स्टार अचीवर ऐसा करके दिखाएगा। उसके अलावा साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि टाइम फॉर चेंज,
बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब जो है वही पुरानी बातें करके, वही मतलब डायलॉग बाजी करके आप बिजनेस को बड़ा कर लेंगे। नहीं हो सकता, आज आपको चेंज होने की जरूरत है। आप सारे लोगों को याद होगा कि पहले तार वाला मोबाइल चलता था, घरों में तार वाले मोबाइल चला करते थे, पर लेकिन उसको चेंज हुआ, मोबाइल आ गया। और मोबाइल में भी फिर आपने देखा कि पहले क्या होता था कि 2G सिम हुआ करती थी, 2G सिम में नेट बहुत स्लो चला करता था, तो लेकिन किसी ने और आविष्कार किया, उसको अपग्रेड किया, तो वो 3G नेट बन गया। 3G नेट बनने के बाद क्या हुआ, उसकी स्पीड बढ़ गई, और उसके बाद फिर और किसी ने थोड़ा सा उसको अपग्रेड किया, रिलायंस जियो ने उसको अपग्रेड कर दिया, और 4G आ गया, और 4G के बाद उसकी स्पीड और तेज हो गई। साथियों, मैं ये बातें इस वजह से बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे अपग्रेड हुआ वैसे वैसे स्पीड बढ़ी। अगर आपने इस बिजनेस में अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आपकी स्पीड बढ़ने वाली नहीं है। मैंने जैसे बताया आप सारे लोगों को, आप बिजनेसमैन हैं, ना कि कोई नौकरी करने वाले, और आज आज नहीं तो कल आपको अपनी नौकरी वाली सोच या जो घिसी पिटी सोच है उसको बदलना तो पड़ेगा। आज टाइम चेंज हो रहा है कि पहले का टाइम कुछ इस तरीके से था कि आदमी मतलब एक बार प्रोडक्ट ले लिया करता था और मतलब जो है मामला इसी तरीके से चलता रहता था, पर लेकिन आज हमारी कंपनी ने अपने आप को चेंज किया, रीपर्चेस को लाके हमारी कंपनी ने चेंज किया, और काफी सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारी टीम के लोग रीपर्चेस करते रहे और हम रीपर्चेस ना करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास में पुराने पुराने मोबाइल जो 2G सिम चला करते थे, 3G सिम चला करते थे, वो आपकी अलवारी और आपकी अलवारियों में ना धूल खा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो 10,000 का मोबाइल था या 20,000 का मोबाइल था, आज 4G सिम चलाने के लिए 4G हैंडसेट खरीदना पड़ता है आपको, और खरीदना पड़ा, बहुत से लोगों को 4G हैंडसेट खरीदना पड़ा। पर लेकिन अगर 4G हैंडसेट नहीं खरीद रहा वो, और वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी वो पैसे व्यवस्था करके 4G हैंडसेट खरीदता है और अपना रिचार्ज कराता है। आज आदमी हर चीज के लिए, आज मतलब आदमी भूखा रह सकता है, पर लेकिन अगर उसका नेट पैक खत्म हो गया तो 24 आवर्स तक वेट नहीं कर सकता, किसी ना किसी से सेटिंग बना के रिचार्ज करा लेता है। पर लेकिन आदमी इतना सयाना है, इन सारी चीजों को करता है, पर लेकिन जब यहाँ पे बात आती है, अभी मैं आपको फिर दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ, ये कुछ पुराने लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि हमें स्टॉक नहीं बनाना पड़ेगा। साथ ही स्टॉक तो बनाना पड़ेगा, आज स्टॉक तो बनाना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपने स्टॉक नहीं बनाया तो आपके जीवन में बहुत बड़ा मतलब बदलाव आने वाला नहीं है। तो ये सूट लेंथ की अगर मैं बात करूं तो सूट लेंथ की इतनी बड़ी ताकत है, इसके बारे में आप देख लो। आप थोड़ा सा मैं ये आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ड्रेस कोड का जिंदगी में क्या महत्व होता है। ये आप देख रहे हैं कि उसकी ड्रेस से समझ में आ रहा है वो गांव वाला आदमी है, और दूसरे वाले आप पिक्चर में देख रहे हो आप, तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो शहर वाला आदमी है, और तीसरी पिक्चर में आप देख रहे हो तो उसमें आपको दिख रहा है वो बिजनेसमैन आदमी है, और आप चौथी पिक्चर में देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि गांव वाली महिला है, दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं और उसमें दिख रहा है कि ये तो शहर वाली महिला है, तीसरी पिक्चर में देख रहे हैं आप तो आपको समझ में आएगा ये तो शहर की लड़की लड़कियां हैं। और आप देख लो कि शादी तक, यानी जब आदमी जिंदगी में एक बार दूल्हा बनता है तो दूल्हा भी कोट पैंट पहन के जाता है, सही है। तो ये जिंदगी आपकी जब तक रहेगी, जब तक ये कोट पैंट का चलन बंद होने वाला नहीं है, और 19 साल से लगातार आपकी कंपनी इसी प्रोडक्ट को दमदार सबसे हिट प्रोडक्ट अगर है, और अगर हम डायमंड बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ सूट बेच के, कोट पैंट बेच के, क्योंकि इसका जो हमारे साथ कंपनियों का जो टाई अप्स रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। एक बार मुझे मालूम पड़ा कि जब मैं एक बार लखनऊ में था, एक बार मेरा सूट आया लिलिन का, और लिलिन का सूट आया, जब मैं उसको दुकान पे सिलवाने के लिए गया तो उसने, दुकानदार ने मेरे को बोला कि भाई ये बहुत मतलब जो है अच्छा कपड़ा है, और इसकी जो मीटिंग अभी मैं अटेंड करके आया हूँ। मैंने कहाँ पे अटेंड करके आया, तो उसने बताया कि होटल हयात के अंदर मैं, क्या मीटिंग थी, तो उसने दिखाया कि ये बॉर्गनी कंपनी है, इसकी जो मीटिंग हुई थी, और ये बहुत जबरदस्त कपड़ा है। तो मैंने कहा ये कितने का होगा, उसने बताया भाई 8-9 हज़ार से कम करनी है ये कपड़ा। मैंने कहा यार हमें तो गिफ्ट मिला है, तो उन्होंने कह रहा जिसने भी गिफ्ट दिया ना वो भी बहुत बड़ा आदमी होगा भाई, इतना महंगा कपड़ा कौन गिफ्ट देता है आज की डेट में। तो क्या होता है, आदमी की एक, आदमी का एक ह्यूमन नेचर है। अगर किसी से, अगर किसी आदमी ने अगर ये कह दिया ये शर्ट आपकी बहुत बेकार लगती है, तो आदमी जब भी उस शर्ट को पहनेगा ना, ये बात उसे याद जरूर रहेगी यार, कि यार ये शर्ट पहननी नहीं चाहिए, ये कोट मुझे पहनने नहीं चाहिए। तो साथियों, मैं आप सारे लोगों को बताना ये चाहता हूँ कि आदमी ने यहाँ अपने ड्रेस को बदला है, वो कुर्ता पजामा से पैंट शर्ट में आया, पैंट शर्ट से कोट पैंट में भी आया, और कोट पैंट के बाद वो जींस में भी आया, टी शर्ट में भी आया,
और यहाँ तक कि लेडीज एंड जेंट्स दोनों लोगों ने अपने आप को बदला है। तो आज आपको इस बिजनेस को करने के लिए अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, रिपर्चेस का स्टॉक बनाना पड़ेगा, सारे के सारे लोगों को रिपर्चेस का स्टॉक बनाना पड़ेगा। और सूट, सूट आप हर आदमी की जरूरत है, इस बिजनेस को करने के लिए सूट की जरूरत है। जितने भी बिजनेसमैन मिलेंगे आपको, वो सारे के सारे लोग सूट में मिलेंगे आपको। रतन टाटा की बात करें, रिलायंस कंपनी के जो मालिक थे धीरू भाई अंबानी जी की बात करें, और उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की बात करें, ये कभी आपको टीवी पे, कभी भी ये टीवी पे आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे कि आपको ये ऐसे दिख जाए कि उन्होंने टी शर्ट में आ गए हो या किसी चीज में आ गए हो। और हमारे इस बिजनेस को करते टाइम हमें भी क्या किस चीज की जरूरत रहेगी, हमें भी इसी बिजनेस को करते हुए किस चीज की जरूरत रहेगी, हमें सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने ड्रेस कोड पे ध्यान दें। मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस को करते वक्त कई सारी चीजें हमने अपने जीवन में करी कि इस बिजनेस में कोट पैंट पहन के काफी सारे लीडर्स आते थे और हमारे पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम कोट बनवाते। कई मतलब जो हमारे माँ गुरु जी लोगों ने बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता योगो जी, आप आज कोट नहीं बनवा रहे, पर लेकिन एक समय आएगा हर दिन का कोट आपका अलग होगा। और ये ऐसा हुआ कि इस बिजनेस में कंपनी पहले क्या करती थी कि कंपनी जो है कपड़े देती थी और हमने कई सालों तक वो कपड़ा सिलवाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, किस कपड़े को सिलवा लें। पर लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये स्थिति सबके साथ होती है, पर लेकिन ये एक बिजनेस का टूल्स है आपका। कई लीडर्स थे मेरे, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि कई बार हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे और हमारे पास हेलमेट नहीं था, पर लेकिन गलती से हम कोट पैंट पहन के थे और सभी के चालान कट रहे थे, पर लेकिन हमारा ड्रेस कोड देख के ना पुलिस वालों ने हमारे चालान नहीं काटे, उनको लगा बड़ा इज्जतदार आदमी है। सही है, और ड्रेस कोड के इतने फायदे हैं, कोट पैंट के तो इतने फायदे हैं कि अगर अगर मैं अगर अपनी खुद की बात कर लूं तो अगर मैं टाई लगा के अगर खड़ा हो जाऊं तो किसी की हिम्मत नहीं है ये बता दे वो 8वीं क्लास है। सारे के सारे लोग बोलेंगे यार बीटेक एमटेक लग रहा है वही बंदा। सही है, ये कोट पैंट के फायदे है, यानी आप जितनी मतलब जो है अगर कोई दुबला पतला आदमी भी है ना तो कोट पैंट पहन ले, वो दुबला पतला नहीं लगता, समझ में आ रही कि नहीं। तो बहुत फायदे हैं कोट पैंट के, यानी आपको कोट पैंट आपको बहुत इज्जत दिलाता है। किसी गांव में आप कोट पैंट पहन के चले जाओ तो बाबूजी लोग बोलेंगे आपको साहब आ गए। सही है, तो ये सारी चीजें हमारे, हमने मिस्टर सरनाथ साहब से को देखा, इनकी बैंक के अंदर एक भी लटूरा आदमी कोट पैंट पहन के नहीं आता था, और लेकिन सरनाम साहब अपना टाई और कोट पैंट पहन के जाते थे बिल्कुल। तो जो मैनेजर था वो मैनेजर लगता था भिखारी सरनाम साहब के सामने, और सरनाम साहब उस समय क्लर्क हुआ करते थे और सरनाम साहब लगते थे मैनेजर। तो ये कई बार ऐसा हुआ कि सर को भी हमारे सामने लोगों ने बोला यार ये मैनेजर तो आप लग रहे हो जी, तो मतलब मैनेजर सही है। तो ड्रेस कोड फायदे रहे, और ड्रेस कोड से आपको बहुत इज्जत मिलती है, बहुत सम्मान मिलता है और आपका बिजनेस बढ़ता है। सीधी सीधी बात यह है कि आपका बिजनेस बढ़ता है। उसके अलावा मैं बात करूं, 100 सालों से फैशन चल रहा है, कितने सालों से, 100 सालों तक। जैसे कि कोरोना वायरस का पता नहीं कब तक चलेगा, तो ऐसे ही फैशन का भी पता नहीं कब तक चलेगा। ये दुनिया रहेगी जब तक ये फैशन रहेगा, ये दुनिया रहेगी जब तक फैशन रहेगा। फैशन बदल सकता है, पहले क्या होता था कि लोग सिंपल कोट पहना करते थे, सिंपल यानी कोई लाइनिंग नहीं हुआ करती थी, कुछ भी नहीं हुआ करता था, पर लेकिन चेंज हुआ। अब कुछ लोग लाइनिंग के कोट पहनने लगे, कुछ मतलब जैसे आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी कंपनी ने हर समय हर चीज का बड़ा ख्याल रखा है। जब सिंपल की जरूरत थी तो ओनली प्लेन सूट दिए जाते थे, जब मार्केट में थोड़ा सा डिजाइन चेंज हुआ तो आपकी कंपनी ने इतने प्यारे प्यारे कलर आपको लाके दे दिए जिसका कोई जवाब नहीं। जिसमें सबसे अच्छे अच्छे कलर तो हमारे अविनाश जी पहनते हैं, कभी पीला कभी नीला, ये सारे के सारे इनका मतलब इनका कंपनी में ऐसा सेटिंग है कि सबसे बढ़िया कलर इन्हीं के पास पहुंच जाते हैं। और ये तो मतलब जो है मैं कई बार इनको कहता हूँ कि शायद मैं थोड़ा सा और गोरा होता ना तो मैं भी आपके तरीके से सारे के सारे कलर में पहनता। तो इनकी इनकी अगर इनकी पूरी टीम की बात करी जाए तो इनकी पूरी टीम अविनाश जी की, ऐसा लेडीज एंड जेंट्स कोई भी हो, ऐसा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो वहां पे कोट पैंट ना पहनता हो। यानी कोट पैंट हमारे टीम के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं यूज होते हैं तो वो अविनाश अधिकारी जी की टीम में यूज होते हैं। इन्होंने एक एग्जांपल सेट करके दिखाया है। मुझे याद है कि मैं जब 5 साल पहले जब अविनाश जी से मैं मिला था तो अविनाश जी आर्मी की सर्विस ही कर रहे थे, और आज अविनाश जी के पास मैं बता दूं 100 से ज्यादा कोट पैंट होंगे। अविनाश जी के लिए एक जोरदार तालियां, 100 से ज्यादा कोट पैंट अविनाश जी ने बनाए हैं।
और इनका एक नियम है, इनका नियम है, और मैंने इनसे सीखा है अविनाश जी से, कि हर फंक्शन में नए कपड़े पहन के जरूर जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पुराना कपड़ा तो ये पहनते नहीं है, नया कपड़ा फंक्शन में होता है। और कई मतलब जो है इसी तरीके से ये सारी चीजें हम लोगों ने कोट पैंट के जरिए से हमारा बिजनेस काफी बड़ा निकला है। दोस्त साथियों, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। ब्रांड बनने के लिए ब्रांड पहनना पड़ता है, यस सर, याद रखना इस बात को, कि ब्रांड बनने के लिए ब्रांड पहनना पड़ता है। आदमी कितनी पानी में है ये उसके कपड़े और उसके जूते, जूतों से लोग जान लेते हैं कि वो कितने पानी में है। उसके अलावा हमारे देश की जनता की उंगलियों में जादू है। हमारे देश में मतलब जो ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनकी दोनों उंगलियों के बीच में ऐसा मतलब ऐसी चीज सेट हो रखी है, कपड़े को छू के ऐसे बता देते हैं वो खराब है या अच्छा है। सही है। मैं साथ ही आपको बता दूं, मैं खुद टेलर आदमी हूँ, मैंने कपड़े का काम किया है। जो कपड़ा बहुत चमक दमक का दिखता है ना, वो बहुत मतलब जो है सस्ता आता है। क्या आता है? बहुत सस्ता। और जो कपड़ा ऐसा लगता है यार ये पुराना दुराना सा कपड़ा, वो साला महंगा आता है। कई बार, एक बार मैं ऐसे ही महागुरु जी से ना मैंने पूछा कि महागुरु जी एक मेरे को निकर खरीदना है। मैं उस समय थाईलैंड जा रहा था, तो महागुरु जी मतलब मूर्ति साहब की बात करूँ, नवल साहब, इनके पास ऐसी ऐसी कंपनियों के नाम होते हैं कि हमें पहली बार पता पड़ता है ये भी कोई कंपनी है क्या। तो ऐसे ही साहब ने, मैंने इनसे पूछा साहब से, मूर्ति साहब से, सर निकर लेना मुझे यहाँ। योगो जी बहुत बढ़िया, एक ब्रांडेड निकर लेके आना है आपको और मजा आ जाएगा। और थाईलैंड में ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए आपके, वहां पे टीम दिखती है। तो कलर कलर प्लस करके एक कंपनी थी, साहब ने उस कंपनी का नाम बता दिया। मैं घुस गया सीना चौड़ा करके उधर, और सीना चौड़ा करके घुस गया, लेकर खरीदा मैंने वाइट कलर का। और मैंने जब वहां पे बिल बना, मेरे को पसीना आ गया, 3200 रुपये करने का हाफ, मेरे को पसीना आ गया। मैंने कि अब पर, लेकिन सेफ शॉप वाले आपको पता है हटते नहीं पीछे, हमने कटवा दिया। मैंने महागुरु जी को बोला, मैंने महागुरु जी कौन सी दुकान में बेच दिया आपने, 3200 रुपये में तो पूरा पैंट शर्ट सिल जाता, कोट पैंट सिल जाता, ये तो हाफ पेंट आया है। तो सर ने बताया मेरे को कि बेटा ब्रांड बनने के लिए ब्रांड पहनना पड़ता है। इसी तरीके से महागुरु जी नवल साहब ने भी ऐसे ऐसे में हमारे साथ काम कराए। मैंने इनको एक बार पूछ लिया कि महागुरु जी ऐसे टी शर्ट खरीदनी है, तो एक ऐसी कंपनी का नाम इन्होंने बता दिया कि उस टी शर्ट में खरीद के लाया था, मेरा दिमाग खराब हो गया। तो ये एक्चुअली इन लोगों के पास में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस नेकर को जब मैंने किसी को बताया ना, कोई नहीं माना, ना पुराना सा नेकर लेके आ गया है और बता रहा है ये 3200 रुपये का है। मैंने ये बिल देख ले, तो लोगों ने बताया बिल नहीं है, ठग गया तू, तुझे ठग लिया है किसी ने, समझा। ये इससे बढ़िया कपड़ा मैं तेरे को 100 रुपये में नेकर ना दिला दूंगा, तो मेरे मुंह पे थूक दियो तू 100 रुपये में। मैं बोला वाह, मैंने की तो जंग हमारे देश की जनता की उंगलियों में जादू है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे ही आपके कपड़ों को छू के ये बता देते हैं ये खराब है अच्छा है। उसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा, इसकी वजह से, इसी प्रोडक्ट की वजह से सबसे ज्यादा डायमंड बने हैं, सबसे ज्यादा डायमंड इसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करने से बने हैं। उसके अलावा अपने व्यक्तित्व का विकास आप करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में चांद चांद लगते हैं। और हम अगर अपनी बात करें तो हमारे स्कूल के समय में हमारे पास में 2 ही कपड़े थे, जो हमारी स्कूल की ड्रेस थी वही स्कूल की ड्रेस हम शादियों में पहन के जाते थे, वही हम उसी ड्रेस को हम अपने नाना नानी के यहाँ पहन के जाते थे। और उसकी स्कूल के टाइम में कई ऐसे मैंने देखा कि स्कूल की ड्रेस के टाइम में आप देखिए कि जो सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ने जा रहा है उसकी ड्रेस अलग दिख जाएगी, और जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाता है वो कोट पहन के ही जाता है। मेरे दोस्त कोट पहन के जाता है, स्वेटर पहन के नहीं जाता वो, उसकी कॉन्वेंट स्कूल में पहनने वाले बच्चे की DPS, GD गोइंग का, LPS, जो बड़े बड़े स्कूल हैं जिनकी मैं बात करूं तो क्या है, वो कोट पहन के ही जाते हैं। उसके अलावा अपने खानदान का रियल हीरो बनाता है। आप जब कोट पहन के जाएंगे तो आपके खानदान में किसी ने मतलब हो सकता है कोट पहना नहीं पहना पर, लेकिन आपकी जिंदगी की आदत बन जाएगी। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे महागुरु जी, मूर्ति साहब के से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि यार हमारे यहाँ तो योगो जी लुंगी ज्यादा पहनते थे लोग, ज्यादा मेरे परिवार में लोग लुंगी पहनते थे और हम भी लुंगी पहनते थे, पर लेकिन दिस इज द पावर ऑफ द अपॉर्चुनिटी, आज हमारे पास में ढेर सारे कोट हैं और हम पहले अपने परिवार के रियल हीरो बन पाए। इसी तरीके से मैं पूरे देश में भ्रमण कर चुका हूँ अपनी टीम के माध्यम से, और जैसे कि उड़ीसा के भी लोग हैं तो वहां भी कोई कोट पैंट नहीं पहनता, पर लेकिन आप देख रहे हैं कि संतोष सर को देख रहे हैं, मैम को देख रहे हैं, इन लोगों ने अपने आप को प्रूव किया। और इनके अगर मैं बात करूं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, इनकी फैमिली के अंदर भी अगर गांव में भी अगर जाएंगे, शादियों में भी जाएंगे, तो आज भी वहां पे कोई कोट पैंट पहन के कम ही आते हैं लोग, क्योंकि वहां का जैसा कल्चर होता है उसी तरीके से। पर लेकिन
हमारे आपके डीएनए में ये शामिल हो चुका है कि अगर हम किसी शादी या बर्थडे में जाएंगे तो हमारे बदन पे कोट पैंट जरूर रहता है, और कोट पैंट रहता है तो वहां पे अलग ही मतलब पर्सनैलिटी दिखाई देती है, तो खानदान का रियल हीरो बनने का मौका है। शादी में एक से बढ़ के एक महंगा कपड़ा आदमी पहन के आता है, पर लेकिन कोट पैंट के आगे सारा का सारा फीका पड़ जाता है। कितना भी बढ़िया शेरवानी क्यों ना पहना हो और आप कोट पैंट पहन के हैं तो फोटो आपका अच्छा आने वाला, ना कि शेरवानी वाले का अच्छा आने वाला है। साथ ही उसके अलावा मैं बात करूं, कोई भी कम दिखना नहीं चाहता, ये आदमी की फितरत है। आदमी को सिर्फ ये बताने की कोशिश करना है कि कहीं मैं आपको बता दूं, मुझे टाई पहनना नहीं आता था, मेरे को टाई पहनना नहीं आता था, मेरे को टाई की गांठ बांधना नहीं आता था, पर लेकिन महागुरु जी नवल साहब ने मुझे टाई बांधना सिखाया, टाई पहनना सिखाया। और मुझे कोट के बारे में बात करूं, कोट तो मैं कोट की कहानी अभी आगे बताऊंगा, कोट मेरे जीवन में कैसे आया। उसके अलावा लोगों को जीवन में सफल होने का अवसर दे सकते हैं स्वदेशी सामान का प्रचार से, देश की तरक्की में अपना योगदान देकर हम देश के काम आ सकते। आप साथियों, सारी की सारी चीजों को, ये प्रोडक्ट को यूज करने से आप देश की तरक्की में शामिल हो जाएंगे, लोगों की जिंदगी बदल जाएंगे। साथ ही ये कुछ मेरी पुरानी पिक्चर्स हैं, आप देख लो, कई सालों तक कोट ही नहीं आया मेरे पास, कई सालों तक महागुरु जी की दिशा ट्रेडिंग लेने गया, कोट नहीं था मेरे पास, पैसे ही नहीं थे, सिर्फ यही स्थिति रहती थी, या तो खाना खा ले या मकान के किराया दे दे या फिर मतलब मोबाइल के बिल भर ले, पैसे नहीं थे हमारे पास। और आप देख रहे हैं ये मेरा जो सबसे जो कैप लगा के ये जैकेट वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये एक ही ट्रायल चल रही थी, पर लेकिन इस बिजनेस में मतलब जो है बहुत ताकत है। आप सरनाम साहब को देख रहे हैं, बिल्कुल जितेंद्र कुमार के तरीके से दिख रहे हैं सरनाम सर, है ना, और ये बिजनेस की ताकत। और बीच में आप देख रहे हैं अविनाश अधिकारी जी बिना गुड़ी में, ये मैंने पहली बार इज्जत इज्जत बचाने के लिए कोट बनवाया था, इज्जत बचाने के लिए विजिट करने जा रहे थे साहब, विजिट करने जा रहे थे तो कोट तो होना चाहिए, है ना, इज्जत बचाने के लिए कोट बनवाया गया। और ये कोट भी कैसे बना, इसकी भी कहानी बड़ी, जुगाड़ से कोट बनाया, जुगाड़ से कपड़ा आया, कोई टेलर आदमी था मैं, जुगाड़ से कपड़ा आया, जुगाड़ से ही मतलब ये कपड़ा सिलवाया गया, सही है, और जुगाड़ से, और ये भी क्या हुआ कि मतलब जुगाड़ से ही चलता रहा काम, और ये कोट काफी समय तक मेरे साथ चलता रहा। कई लोगों ने मेरे को, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, कई लोगों ने मेरे को बोला है कभी तेरे पे यही कोट है क्या, कभी चेंज करेगा कि नहीं करेगा कोट अपना, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमारे साथ में हुई हैं, ये सारी चीजें इस वजह से हुई थी क्योंकि ये सारी चीजें होने के बाद जब मेरे को लोगों ने ऐसा बोला तू अपना कोट कभी चेंज करेगा कि नहीं करेगा, महागुरु जी नवल साहब ने मुझे एक मीटिंग के लिए बठिंडा बुलाया, बठिंडा, और बठिंडा के अंदर मतलब मेरी जिंदगी में मेरे को पहली बार मतलब किसी व्यक्ति ने माला डाल के और पगड़ी वगड़ी लगा के, मेरा ये महागुरु जी का मैं कभी एहसान नहीं भूलूंगा नवल साहब का, इन्होंने ये घटना मेरे साथ ऐसी कर दी। एक 300 रुपए, इन्होंने 300 रुपए में कैमरा वाला बुलाया उस जमाने में 2010 के अंदर, एक कैमरा वाला बुलाया और मेरे फोटो खिंचवाई, यानी वो फोटो खींचने के लिए बुलाया इन्होंने, और जो फोटो खींच के और जो इस तरीके से पगड़ी, राजस्थानी जो पगड़ी लगा के माला डाल के मेरा वेलकम किया और मुझसे कहा कि एक दिन योग जी आप जी ने मेरे साथ जिस तरीके से जो मुझे ट्रीटमेंट दिया, मैं आप देख रहे हैं कि उस सेकंड चित्र में हम लोगों को रिसीव करने जाते थे जब लोगों को माला डालते थे, पर लेकिन हमारी जिंदगी में ये माला डल सकती है ये कभी नहीं सोचा था, पर लेकिन ये किसकी वजह से हुआ, ये कोट पैंट पहनने की वजह से हुआ। ये कोट पैंट अगर नहीं पहना होता हमने तो जीवन में ये सारा कुछ हमारे जीवन में कभी हो नहीं सकता था। और कोट पैंट की ताकत समझ में आई तो बिजनेस बढ़ने लगा, जैसे कोट पैंट बनाया हमने बिना गुड़ में अविनाश जी के साथ विजिट करने गए तो लगातार हमारा काम बढ़ने गया। और एक कहानी मतलब जो उस समय नागुर जी लोगों ने सुनाई थी कि एक समय ऐसा होता था, एक बार ऐसा हुआ कि चील का एक अंडा मुर्गियों के बीच में आ गया, चील का अंडा मुर्गियों के बीच में गिर गया और क्या हुआ कि मुर्गियों ने उसमें चोंच मार मार के उस अंडे को फोड़ दिया और वो चील का बच्चा क्या हुआ उससे बाहर निकल आया और उसने देखा जैसे मुर्गियां रह रही हैं, जैसे मुर्गियां चल रही हैं, जैसे मुर्गियां खा रही हैं, उसी तरीके से वो चील का बच्चा करने लगा, जैसी मुर्गी करती थी उसी तरीके से करती गई और धीरे धीरे उसका जो साइज था एक समय के बाद, कुछ महीनों के बाद वो मुर्गियों से काफी बड़ा दिखने लगा और कुछ इंसान लोगों ने उसे देखा कि यार ये तो चील का बच्चा है, ये कैसे मतलब जो यहाँ मुर्गियों के बीच में आ गया। तो इंसानों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हमारी मुर्गियों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और पर लेकिन एक दिन उसकी एक चील की नजर उस बच्चे पे पड़ी और उस चील की नजर उस बच्चे पे पड़ी
और उसने चील ने उसको काफी उड़ाने का प्रयास किया और उसको समझाने की कोशिश करी कि तेरा जन्म जमीन पर रहने के लिए नहीं हुआ, तेरा जन्म आसमान को चीरने के लिए हुआ है। तो साथियों जब उसको एहसास दिलाया गया और उसको एहसास दिलाने के बाद वो चील के बच्चे ने उड़ना शुरू कर दिया। इसी तरीके से मेरी जिंदगी में सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और मेरे गुरु लोगों ने मुझे एहसास दिला दिया कि जो जिंदगी में गरीबी में पैदा होने के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ था, गरीबी से अमीर बनने के लिए तेरा जन्म हुआ था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे को गरीबी में जन्म मिला, पर लेकिन तू इसमें इतिहास बना सकता है, अमीर बन सकता है, कोट पैंट की लाइन लगा सकता है। तो दोस्तों ये सारी ये कहानी मेरे दिमाग में बैठ गई, ये कहानी मेरे दिमाग में बैठ गई, ये मान सम्मान मेरे दिमाग में बैठ गया कि मैंने सोच लिया कि अगर कोट पैंट पहनने से अगर स्थिति बदलती है। मुझे बड़ी शर्म आती थी, कई बार मैंने लोगों से सुना है, कई बार मैंने देखा है लोगों को कि जो लोग कभी किताब बेचा करते हैं, मोटिवेशनल किताब बेचते हैं, जो लोग उन किताबों को बेच बेच के कभी अमीर नहीं बनते, पर लेकिन उन किताबों को लेने वाले लोग अमीर बनते हैं। एक किताब वाला है हमारे, मैं जानता हूं उसे आगरा में, बोलता है कि यार मेरे सामने ये सारे के सारे लोग तुम्हारे है ना जो आज ऑडी और बीएमडब्ल्यू से चलते हैं, मेरे पास किताब लेने आते थे 100-100 रुपए की, पर लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये इस किताब में ऐसा है क्या कि लोग अमीर कैसे बन गए इस किताब से। पर लेकिन मैं साथियों ये बताना चाहता हूँ, किताब बेचने से अमीर नहीं बनता, किताब पढ़ने से अमीर बनता है। इसी तरीके से कोट बेचने से बनेगा, कोट पहनने से अमीर बनेगा आदमी, पर लेकिन अमीरों जैसा अगर आप रहोगे नहीं, अमीरों जैसा फील करोगे नहीं, तो जिंदगी में कभी अमीर बन नहीं सकते हो। आदमी की जिंदगी में सबसे ज्यादा उसके दिमाग के माहौल का खेल है कि उसके दिमाग को कैसा माहौल दिया जा रहा है। तो मेरे मेंटर लोगों ने, मेरे गुरु लोगों ने मुझे ऐसा माहौल दिया, मुझे कोट पहनने की आदत बनाई और मुझे मूर्ति साहब का, मुझे बार बार मेरे मूर्ति साहब कंधे पे हाथ रख के कहते थे, योगेश जी एक दिन इतिहास बनेगा, एक दिन ये सारी चीजें, मुझे हमेशा हौसला अफजाई लगातार मेरे मेंटर मेरे गुरु लोग करते रहे। उसके अलावा एक देश मान सम्मान जो भी मिला उसके बाद जो दोस्तों जिंदगी बदली, ये मेरी कुछ यादें हैं जिन यादों को मैं जरूर दिखाना चाहूंगा। जब कोट पैंट पहनने की जब बारी आई तो सबसे पहले तो महागुरु जी से हमने हाथ मिलाया। नवल साहब के लिए मैं चाहता हूँ एक जोरदार ताली नवल साहब के लिए जरूर होनी चाहिए, क्योंकि नवल साहब ने, मतलब मैं जरूर कपड़े का काम करता था, मैं जरूर, मतलब कहते ना कि कई कई ऐसे लोग होते हैं कि शराब बेचते जरूर है पर लेकिन शराब पीते नहीं है, कई ऐसे लोगों को भी नॉनवेज खाते नहीं है, ऐसे कई लोग होते हैं। तो इसी तरीके से मैं कपड़े जरूर काम कर रहा था कपड़े का, पर लेकिन मुझे कपड़ों की जो है कॉमन सेंस मुझे बिल्कुल नहीं था कि कौन सी मतलब मैचिंग होती है, क्या कैसे होता है। पर लेकिन महागुरु जी के साथ रह के, नवल साहब के साथ, क्योंकि नवल साहब दो चीजों के बहुत शौकीन है, दो चीजों के बहुत शौकीन है नवल साहब, एक तो कपड़े पहनने के बहुत शौकीन है, क्योंकि इन्होंने अपने शौक इतने बड़े बड़े बनाए हैं। इनके कपड़े की अगर मैं बात करूं, इनके घर पे मैं एक बार गया तो 200 से ज्यादा इन्होंने शर्ट गिना दी, 200 से ज्यादा, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, 200 शर्ट है आपके पास। और मैंने अपने घर पे आगे गिनी तो मेरी 15 ही थी, मैंने कहा यार आप तो, मैंने की बात मतलब इज्जत पे आ गई, मैंने की जब मैंने की नवल साहब कर सकते तो हम भी कर सकते, सही है। तो उनसे काफी मुझे प्रेरणा कपड़े पहनने की मिली है। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये कोट पैंट की ताकत है कि आज हमारे महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी और श्री संजय जैन जी हमें इजाजत दे रहे हैं फोटो खींचने का। शायद अगर हमने कोट पैंट पहनाना होता तो ये हमसे कहते थे चल बाहर खड़ा हो जा, फोटो नहीं खींचेगा तेरा, सही है। उसके अलावा आप देख रहे हैं, आप जो एक पिक्चर में, तीसरी पिक्चर में सरनाम साहब भी हैं और नवल साहब भी हैं और हम भी हैं। ये हम तीनों लोगों ने एक बार ऐसा डिसीजन लिया कि एक जैसी कोट पैंट पहनेंगे, एक जैसी टाई खरीदेंगे और एक जैसी शर्ट पहनेंगे। तो ये सपना भी मतलब हमारे गुरु लोगों की वजह से पूरा हुआ। और ये जो चीजें हैं, ये जो तीन लोग हैं, ये तीन लोगों ने मतलब जो अपने जीवन में मतलब जो है अपने लिए कम सोचा है और अपने परिवार के लिए ज्यादा सोचा है। तो मिस्टर सरनाम साहब से भी मुझे काफी प्रेरणा मिली, कि सरनाम जी से मुझे प्रेरणा मिली कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, शर्म नहीं करनी है। क्या फर्क पड़ता है, लोग बोलेंगे टाई लगा के घूम रहा है। मेरे को लोग बोलते थे भाई कोरियर वाले कहाँ जा रहा है, मैं टाई लगा के अपने बस्ती से जब निकलता था तो कोरियर वाले लोग बोलते थे मेरे को। तो मैं अपनी टाई को क्या करता था साथियों, कि मैं ट्रेनिंग में जब आता था तो अपनी उसको जेब में रख के लेके आता था, लोग हंसेंगे मेरे पे इसकी वजह से। और वो टाई भी विशाल मेगा मार्ट से खरीदी हुई होती थी 30 रुपए की। तो वो टाई क्या होती थी कि कई जगह से ऐसी फोल्ड हो जाती थी कि पूरी ट्रेनिंग में वो टाई सीधा करता रहता था, पर लेकिन वो सीधी नहीं होती थी, बिना आयरन के कैसे सीधी होगी वो, है ना। तो महागुरु जी सरनाम साहब से मुझे ये प्रेरणा मिली कि भाई किसी किसी से
अगर लोग आप पे हंस रहे हैं ना योगेश जी, तो इतिहास बनने वाला है। ये मुझे महागुरु जी सरनाम साहब से सीखने के लिए मिला। और उसके अलावा आप तीसरी पिक्चर में देख रहे हैं महागुरु जी मूर्ति साहब की वजह से मुझे काफी सारी चीजें, इन्होंने भी अपना ड्रेस कोड इतना जबरदस्त रखा है। और सर ने मतलब जो है, सर को किसी ने एक बार ऐसा बता दिया कि भाई आपका जो है फिगर विगर थोड़ा कम कर लो, तो महागुरु जी ने अपना वजन कम कर दिया। महागुरु जी एक आज मतलब लगता है कि मतलब किसी कोई हमारा अपलाइन है, मतलब सर से अगर कोई हाथ भी मिला लेना तो उसको समझ में आ जाएगा, उसको भी बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा ये बड़ा आदमी है। सर के हाथ मिलाने का स्टाइल भी इसी तरीके से है, और गलती से वो गले मिल ले सर से, तो इतना लंबा चौड़ा आदमी हमारा अपलाइन है, तो साला हमें किसी से डरने की जरूरत है क्या? लठ गाड़ के हमें काम करने की जरूरत है। पर लेकिन एक एक ऐसी पर्सनालिटी होती है कि उनको देख के लोग कहते हैं, अगर यार दिख तो नहीं रहा ये डायमंड होगा, पर लेकिन हम दिखा सकते हैं कि हमारा डायमंड, हमारा क्राउन इस तरीके से है कि हम अगर अगर मूर्ति साहब स्टेज पहुंचते हैं तो मतलब लोगों को लगता है कि हाँ भाई बड़ा आदमी है ये। तो मूर्ति साहब के लिए जोरदार ताली बनती है। उसके अलावा ये हमारे अविनाश जी हैं, अविनाश जी को आप देख लीजिए कि ये पूरी टीम मतलब लगातार कोट पैंट पहन रही है। और उसके अलावा आप देख लीजिए कि इस कोट पैंट की वजह से ये जो अविनाश जी अपना जो नेपाली टोपी लगा के हैं, इसमें अमित मिश्रा जी साथ में खड़े हुए हैं, अजय पिल्ली जी खड़े हुए हैं। आज मतलब कपड़े की अगर बात करें तो ये कपड़े ये पहनने की वजह से हमारी पर्सनैलिटी में बदलाव हुआ। अब साथियों आप देख लो, पहले वाले फोटो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, अभी वाले अच्छे लग रहे हैं, और सारे लोग बोल रहे हैं अभी वाले अच्छे लग रहे हैं, है ना। ये सारा कुछ अगर हो पाया है तो सिर्फ हमारे महागुरु लोगों की वजह से हो पाया है। और मैं अपनी बातों को सर यहीं विराम दूंगा, आपने मुझे समय दिया, थैंक यू वेरी मच महागुरु जी। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगा, थैंक यू वेरी मच।